फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं क्रोशिया से। देखिए, मैंने क्रोशिया नंबर 4 लिए हैं और देखिए इसकी फर्स्ट रो जो बुनेंगे, इसमें सबसे पहले मैंने 33 चैन बुन ली हैं जो सिंपल है। आप भी पहले 33 चैन बुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए हमने इसकी फर्स्ट रो बनानी है। तो फर्स्ट रो बहुत ईजी है, 1 2 3 चैन स्किप करके 4 वाली चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। यहाँ से फ्रेंड्स आपने फर्स्ट रो में हर चैन में डबल क्रोशिया से बुनना है। तो इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। इस तरह से मैं फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने फर्स्ट रो तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने डबल क्रोशिया से 29 टाइम बुना है। अब देखिए क्या करेंगे, सेकंड रो बुनेंगे। तो सेकंड रो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे और देखिए साइडों में हमने 5 टाइम बुनना है। ये हमारे 2 हो गए, एक चैन लगा के 2, ये 3 4 और ये 5, 5 बुन लिया हमने। 5 के बाद आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है, एक बार लेना है और ये देखिए 1 2 3 2 स्किप करके थर्ड में बुनेंगे डबल क्रोशिया से। फिर देखिए 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे, एक बार लेंगे और एक स्किप करके सेकंड में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर हमने एक चैन बुननी है और एक बार लेना है, 1 2 2 स्किप करके थर्ड में यहाँ आपने 5 टाइम बुनना है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर आपने एक चैन बुननी है, एक बार लेना है और 1 2 2 स्किप करके थर्ड में यहाँ डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे, एक स्किप करके सेकंड में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर एक चैन बुनेंगे और देखिए 2 स्किप करके थर्ड में यहाँ आपने किनारे पे फिर से 5 टाइम बुनना है, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो कंप्लीट हो गई थी, अब थर्ड रो बुनेंगे, 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद किनारे में तो हमने फ्रेंड्स जैसे ये 5 बुना है, 5 टाइम इसी तरह बुनेंगे, 2 हो गए चैन लेके, 2 ये 3 4 और ये 5। देखिए किनारे में 5 आ गए, 1 2 3 4 5। फिर क्या करना है, आपने एक चैन बुननी है, एक बार लेना है और देखिए यहाँ इसके नीचे से इस तरह से आपने इसके अंदर पफ स्टिच की तरह जैसे फंदे लेते हैं इसी तरह लेने हैं आपने, 8 टाइम बनाना है। तो देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए हर 2 में से आपने पास करना है, इस तरह से हर 2 में से निकालिए, एक बल वाला फंदा और एक वैसे फंदे, इन 2 में से निकालिए। तो ये आपने 8 टाइम ही करना है इस तरह से। देखिए मैंने हर 2 में से पास किया है, इस तरह से बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ बीच में यहाँ एक बार आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर एक बार लेना है सिंगल क्रोशिया के बाद, एक चैन बुननी है, एक बार लेना है और देखिए ये जो नीचे आपने स्किप करता है यहाँ आपने एक पफ स्टिच 4 टाइम का डालना है, 1 2 3
चार, और अब इन सबको एक साथ बुनना है इस तरह से। फिर एक सिंगल सिंगल क्रोशे से बुनेंगे और देखिए यहाँ एक बार सिंगल से बुन देंगे। फिर आपने क्या करना है देखिए, अब आपने एक चैन बुन ली, एक चैन बुनने के बाद फिर से आपने यहाँ इसके नीचे यहाँ फिर से आपने एट टाइम लेना है, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह से, और आपने हर दो में से निकालना है इस तरह, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ इस तरह से बनेगा। देखिए फिर आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर एक बल लेना है और ये जो बीच में फाइव टाइम था बीच में फाइव टाइम ही बुनना है, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक चैन बुनेंगे एक बल लेंगे और इसके नीचे यहाँ फिर इसी तरह बुनेंगे एट टाइम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और फिर इन सब में से इसी तरह दो में से हर दो में से आपने पास करना है, तो ये भी एट टाइम होगा इस तरह से, हर दो में से निकालते जाइए। इस तरह से फिर यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से, देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। सिंगल क्रोशे से बुनने के बाद एक बल लेना है और देखिए नीचे यहाँ यहाँ से आपने एक पफ स्टिच बनाना है फोर टाइम का, एक दो तीन और ये चार, और फिर इन चारों को एक साथ बुनना है इस तरह। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने यहाँ जाले में एक बार सिंगल क्रोशे से बुनना है, बुनने के बाद एक चैन बुननी है, एक बल लेना है और देखिए इसके नीचे से फिर से आपने एट टाइम लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, और फिर हर दो में से पास कर लीजिए इस तरह से, खूबसूरत सी ये पत्ती सी बन जाएगी इस तरह से, हर दो में से निकालिए तो ये भी एट ही टाइम बनेंगे इस तरह से, आपकी देखिए खूबसूरत सी पत्ती सी बन गई है। फिर आपने देखिए यहाँ एक बार सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए, फिर आपने जो कॉर्नर में बिल्कुल साइड में जो फाइव टाइम है आपने फाइव टाइम बुनना है डबल क्रोशे से, एक दो तीन चार और ये पांच इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो गया है, अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। फ्रेंड्स अब हम सीधी तरफ से अपना दूसरा कलर लगाएंगे, आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर लगा सकती हैं। देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और देखिए जो साइड में फाइव टाइम है पहले आपने इसी तरह फाइव टाइम बुनना है, एक हमारा हो गया दो तीन चार और ये पाँच, दो चार पाँच
फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इसके अंदर यहाँ पे आपने एक बार बुनना है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ बुनना है दो, फिर यहाँ बुनेंगे तीन, देखिए यहाँ चार, पांच, इस तरह से, फिर इसके बाद कि यहाँ, और अब आपने बीच में जो फाइव टाइम था फाइव टाइम बुनना है। यानी कि फ्रेंड्स जैसे हमने फर्स्ट रो में 29 बुने थे तो आपको इसके ऊपर भी 29 ही बुनने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सेकंड रो कंप्लीट, ये वाली वाइट कलर से ये इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने ऊपर भी 29 टाइम ही बुन लिया है और मेरी फोर रो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए फिफ्थ रो बुनेंगे, यहीं से बुनेंगे एक दो तीन, इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए फाइव टाइम आपने साइड में बुनना है, एक दो तीन चार, दो चार और एक ये पांच, पांच हो गए। फिर आपने देखिए एक चैन बुननी है, एक बल लेना है और एक दो को स्किप करके थर्ड में आपने फिर से डबल क्रोशियो से बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे एक बल लेंगे, एक स्किप करके सेकंड में हमने फिर से डबल क्रोशियो से बुनना है। फिर देखिए एक, एक चैन बुनेंगे और ये देखिए एक स्किप करके यहाँ, एक स्किप करके यहाँ आपने जो बीच में फाइव टाइम था आपने फाइव टाइम बुनना है इस तरह से, एक दो तीन चार और पांच, इस तरह से। जैसे फ्रेंड्स हमने ये फर्स्ट रो बुनी थी उसी तरह हमने बिल्कुल ये फिफ्थ रो बुनी है। फर्स्ट के बाद सेकंड, यानी तीन तीन लाइनों का डिज़ाइन है। फिर इसके बाद आपने एक चैन बुननी है, एक दो तीन स्किप करके, दो स्किप करके थर्ड में यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है, एक फिर एक दो तीन, तीन चैन, एक स्किप करेंगे सेकंड में हमने डबल क्रोशे से बुनना है, फिर एक चैन बुनेंगे, एक दो, दो स्किप करके यहाँ आपने फाइव टाइम बुनना है इस तरह से, एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स आपने अब इसी तरह से जो मैंने बनाई थी पत्तियां इस तरह, ये आपने ऊपर इसी तरह बनानी है। बस आपने इन तीन रो को रिपीट करना है ऊपर। देखिए ये तीन मैंने बना ली, अब इसके ऊपर आप ये बना लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ऊपर भी देखिए इसी डिज़ाइन को बढ़ा लिया है, वाइट से बुन लिया है। बनने के बाद देखिए इसे कितना खूबसूरत सा लुक आया है, ये देखिए। बस फ्रेंड्स आपने तीन रो रिपीट करनी है। देखिए एक दो तीन, ये हमारा तैयार हो गया, फिर एक दो तीन और तीन में हमारा वाइट से भी तैयार हो गया है। बस फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।